सो दोस्तों, अगर अपने गूगल पे ऐप में अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को इस तरीके से ऐड करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों अपने एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से अपने गूगल पे ऐप में आप कैसे ऐड करेंगे। सो दोस्तों, ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है, सो दोस्तों आप इजीली लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ए टू जेड प्रोसेस लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अगर अपने गूगल पे ऐप में अपने कार्ड को ऐड करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों अपने गूगल पे ऐप में अपने कार्ड को ऐड कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप ऐड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अगर आपके फोन में गूगल पे ऐप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है। जैसे दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से ओपन करना है। जैसे इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपका जो गूगल पे ऐप है प्रॉपर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर सिंपली दोस्तों प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको जो प्रोफाइल है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहां पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहां पर एक ऑप्शन होगा दोस्तों, यहां पे सेट यहां पे आप यहां पे पेमेंट मेथड, तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके गूगल पे ऐप में जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए हैं आपका पूरा बैंक यहां पे शो हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमारे तीन बैंक लिंक किए हैं, SBI, एयरटेल पेमेंट बैंक और यहां पे केनरा बैंक, तो तीनों बैंक यहां पे शो हो रहा है। तो आपको यहां पे दोस्तों ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। तो आपको नीचे आना, एकदम नीचे आना, एकदम नीचे आने के बाद में दोस्तों आप जब एकदम नीचे आएंगे तो आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन होगा दोस्तों, यहां पे ऐड क्रेडिट कार्ड और यहां पे दोस्तों डेबिट कार्ड। तो दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपके पास डेबिट कार्ड है तो दोस्तों अपने डेबिट कार्ड को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। इसमें हम जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पर इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहां पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर नीचे क्लिक करना ऐड कार्ड पे। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पर इस तरीके से लोडिंग लेगा, उसके बाद में दोस्तों यहां पर कार्ड स्कैन करने का भी ऑप्शन आएगा। सो दोस्तों अगर अपने कार्ड को स्कैन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों अपने कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं, बट दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे एंटर डिटेल यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको अपने कार्ड का जो भी नंबर है दोस्तों अपने कार्ड का पूरा नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, अपने कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। सो दोस्तों इस तरीके से क्या किया, अपने कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मेरा नाम ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों पे कह रहा है कनेक्टिंग और बैंक, मतलब दोस्तों आपके बैंक से आपका जो कार्ड है कनेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से इसका टर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको मोर पे क्लिक करना, मोर पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी टर्म एंड कंडीशन है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है योर बैंक इज वेरीफाइड, मतलब आपका जो कार्ड है आपके बैंक से वेरीफाई किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, अब आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है चूज यहाँ पे वेरीफाई, मतलब दोस्तों अपने कार्ड को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर चूज करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल में जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो आपको ओटीपी को इस तरीके से आपको डालना है। डालने के बाद में दोस्तों अब आपके सामने आपका जो कार्ड है आपके गूगल पे ऐप में सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। सक्सेसफुली आपके गूगल पे ऐप में आपका जो कार्ड है यहाँ पे लिंक हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग, आप यहाँ पे कार्ड, मतलब दोस्तों आपके कार्ड का जितना भी सेटिंग यहाँ पे खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आपका जो कार्ड है आपके गूगल पे ऐप में इस तरीके से लिंक हो चुका है। सो दोस्तों मेरा जो कार्ड है HDFC बैंक का है, तो मेरा कार्ड यहाँ पे लिंक हो चुका है मेरे गूगल पे ऐप में। हम इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कार्ड का पूरा डिटेल इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से अगर अपने गूगल पे ऐप में अपने ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कार्ड ऐड करने या लिंक करने में, तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।